माय चैनल अपेक्षा ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या हैं और उन पे और आगे क्या क्या फंक्शनलिटी अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन बेसिकली सिक्स क्लास का एक टॉपिक है, मैथ्स से रिलेटेड है, तो हम बेसिक से ऊपर की ओर जाएंगे। तो फर्स्ट इनिशियली हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। A number of the form A upon B, ऐसा कोई भी number जिसे हम A upon B के form में लिख सके, या ऐसा कोई भी number जो आपको A by B के form में दिखे, जहां पर B अपना क्या होना चाहिए? Never will be zero। जो आपका B है वो कभी भी zero नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे number fractions कहलाते हैं। Like 1 by 2, 3 by 4, 11 by 6, 100 by 9, etc. ऐसा कोई भी नंबर जो आपको a by b के फॉर्म में दिखाई दे, like 1 by 2, 3 by 4, 11 by 6, 100 by 9, any number, वो क्या कहलाएंगे? आपके फ्रैक्शंस कहलाएंगे। जहां पर a क्या है आपका? न्यूमिरेटर, जिसे हिंदी में हर कहते हैं, और बी आपका है डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो ए बाय बी के फॉर्म में दिखा जाए वो आपका फ्रैक्शन होगा, जहां पर बी है वो आपके जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए आपका कहलाएगा न्यूमिरेटर, बी आपका कहलाएगा डिनोमिनेटर। शॉर्ट फॉर्म में न्यूमिरेटर को बोलते हैं एन आर, और बी को बोलेंगे, डिनोमिनेटर को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डी आर। सो सिंपल, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाय बी वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। लाइक एग्जांपल, आपने एक एप्पल ले लिया। ठीक है, वी टेक वन एप्पल और इसको अगर मैं फोर पार्ट्स पे डिवाइड कर दूं, लाइक दिस इज वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट एंड फोर पार्ट। मान लीजिए कि एप्पल को मुझे फोर किड्स में डिवाइड करना है, चार बच्चों को मुझे एप्पल में डिवाइड करना है, तो मैंने एक एक पार्ट में से इस एप्पल को चार पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया और उसका वन पार्ट मैंने किसी एक बच्चे को दे दिया। उस एप्पल को मैंने चार भाग में डिवाइड किया है और उसका एक भाग मैंने किसी एक बच्चे को दे दिया, तो क्या कहलाएगा? इस पूरे एप्पल का वन बाय फोर पार्ट या वन बाय फोर फ्रैक्शन। पूरा एक एप्पल था, उसका एक भाग मैंने दे दिया, चार उसके टोटल भाग थे, उसमें से मैंने एक भाग, एक चौथाई भाग या वन बाय फोर पार्ट मैंने किसी एक बच्चे को दे दिया, तो दैट इज कॉल, हम उसे एक जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे कि मैंने एक एप्पल का वन बाय फोर पार्ट एक किड्स को दे दिया। ठीक है, अगर आपको दो बच्चों में डिवाइड करना होता तो आप क्या बोलते हैं? टू बाय फोर पार्ट, दो भाग मैंने किसी बच्चे को दे दिए, या तीन पार्ट दे दिया तो मैं बोलूंगी थ्री बाय फोर पार्ट। सो इट्स सिंपल कि फ्रैक्शंस ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं। मान लीजिए एक स्लिट है, उसको मैंने सेवन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। एक स्लिट है जिसको मैंने सेवन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके दो भाग को मैंने शेयर कर दिया ब्लैक कलर से या रेड कलर से, लाइक दिस। टोटल पार्ट्स इसके सेवन थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, तो उसके दो भाग को मैंने क्या कर दिया? किसी कलर से
शेड कर दिया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इसके कितने भाग का कलर है, तो 2/7 where 2 is called numerator and 7 is called denominator. Okay, so this is a basic concept of a fraction. Now types of a fraction. Number 1, proper fraction. Proper fraction क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पर, फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाय बी, ए इज लेस देन बी, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जहां पर आपका न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा, लेस, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक एग्जांपल ले लें, जैसे 2/4 हो गया, 11/2 हो गया, 19/6 हो गया, सॉरी 4/2, 6/11, 4/6। तो ऐसे कोई भी फ्रैक्शन जहां पर ए आपका क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहां पर ए 4 है, बी आपका 2 है, लाइक 2/1, 3/4, दैट मींस 3/4, 11/12, 15/20, etc. ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जहां पर a इज लेस देन b, जैसे यहां पर a 3 है, b 4 है, तो 3 है वो 4 से छोटा हो गया, ये आपका a है 11, b है 12, a 11, b 12, 11, b 12 से छोटा है, 15 एंड 20 से छोटा है, तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर का अपोजिट। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका ए क्या हो, मोर देन बी, रिवर्स हो गया। प्रॉपर में क्या था, ए छोटा था बी से, इम्प्रॉपर में हो गया ए बड़ा है बी से, लाइक 15/2, 11/9, 23/6, etc. यहां पर देखो ए 15 है, बी आपका 2 है, 15 बड़ा है 2 से, 11 बड़ा है 9 से, 23 बड़ा है 6 से। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जहां पर न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। दैट मींस ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसके साथ एक होल नंबर भी ऐड हो जाए, या ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जो होल नंबर और फ्रैक्शन का मिक्सअप हो, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सअप फ्रैक्शन। जस्ट लाइक आपने कई नंबर्स ऐसे देखे होंगे, 2/1/3, 4/5/6, 11/2/9, एनी नंबर। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जहां पर 2 आपका क्या है, एक होल नंबर है, और 1/3 पार्ट वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन पार्ट। 4 आपका हो गया होल नंबर, 5/6 इज कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट, 11 इज होल नंबर, 2/9 इज अ फ्रैक्शन पार्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है होल नंबर और फ्रैक्शन का। तो सिंपली होल नंबर के साथ कोई फ्रैक्शन हो तो वो सारे क्या कहलाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन।
decimal fraction. डेसिमल का मतलब सिंपली 10, 100. तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर टेन हो या इसकी कोई पावर हो, लाइक 100. 100 को हम क्या लिखते हैं, 10 स्क्वायर, 1000 10 का क्यूब, 10000 10 का 4, etc. सो सिंपल, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर मतलब कि बी वो क्या हो, 10 हो या इसकी कोई भी पावर, एनी पावर, 100, 1000, 10000, 10 lakh, any. तो वो सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन. जस्ट लाइक आप जब कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको डिनोमिनेटर में 10 दिख रहा है, उसकी कोई भी पावर दिख रही है, तो आपको सडनली समझना चाहिए कि ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है. ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लें, 2 by 10, 23 by 100, 4 by 1000, etc. तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 या उसकी कोई पावर हो, दैट इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन. फिफ्थ है आपका लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. जस्ट लाइक आपको 4-5 फ्रैक्शन दिए गए हो और आपको पूछा जाए कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आपको कैसे पता चलेगा. मान लीजिए आपको एग्जांपल गिवन हो, 4 by 15, 6 by 15, 8 by 15, etc. तो जिसके डिनोमिनेटर अगर क्या हो, सब सेम हो, तो ये सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन. सो सिंपल, लाइक फ्रैक्शन इज दैट वेयर डिनोमिनेटर आर सेम. अगर इसका अपोजिट कर दे तो क्या हो जाएगा, डिस लाइक फ्रैक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिनोमिनेटर जो हो वो क्या हो, सेम ना हो. जस्ट लाइक 4 by 15 हो गया, 6 by 2 हो गया, 3 by 2 हो गया, 89 by 2 हो गया. तो इसमें देखिए सारे डिनोमिनेटर क्या है. अब ये तीनों तो आपको क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन. लेकिन जब इसको भी मैं इसके साथ इंक्लूड कर दूं तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन. सो सिंपल, वेयर डिनोमिनेटर आर सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, एंड वेयर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम इज कॉल्ड अ अनलाइक फ्रैक्शन. सो इन दिस वीडियो वी इंट्रोड्यूस अबाउट अ फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अ फ्रैक्शन. मैं फटाफट से रिकॉल कर लेती हूं. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, वेयर ए अपॉन बी एंड ए इज लेस देन बी. ऐसा फ्रैक्शन जहां पर ए है वो बी से छोटा हो. दूसरा हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जहां पर ए है बड़ा होगा बी से, वेयर ए इज मोर देन बी. थर्ड हमने पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन, वेयर होल नंबर प्लस फ्रैक्शन. ऐसा नंबर या ऐसा फ्रैक्शन जिसके साथ एक होल नंबर भी इंक्लूडेड हो, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन. फोर्थ हमने पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शन, जहां पर आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 10 या इसकी कोई भी पावर,
जो आपका डिनोमिनेटर है वो 10 होना चाहिए या इसकी कोई भी पावर होनी चाहिए। फिफ्थ हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, जो अभी हमने पढ़ा, वेयर ऑल डिनोमिनेटर विल बी सेम। अगर दो या चार आपको फ्रैक्शन गिवन हो और उसका कंपैरिजन करना हो कि एक लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके उन सारे गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। और इसका अपोजिट हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर है वो कभी भी सेम नहीं होंगे। सारे फ्रैक्शन क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सो दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।